9 जनवरी को बर्ड फ्लू के चलते हम लोगों ने कानपुर जू को बंद कर दिया था, और उसके बाद आज 12 फरवरी को डीएम साहब के संस्तुति के बाद, रिकमेंडेशन के बाद जू को खोल दिया गया है। हम लोगों ने जो हम लोग एहतियात बरत रहे थे वही एहतियात हम लोगों ने बरता है। हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि पक्षी घर जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मामला था, पक्षी घर के आसपास 4 मीटर चौड़ी पट्टी हमने बनाई है, जिस पर जो है ब्लीचिंग पाउडर, चूना और सोडियम हाइपो तमाम चीज़ें पड़ी हैं, जिस पर से दर्शक जब अंदर जाएंगे तो उनके पैर में, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कहीं बर्ड फ्लू बाहर से लेके आ रहे हों, पार्टिकल्स पैर में हों, तो वो वायरस वहीं ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह की पट्टी आप देखेंगे आगे भालू के पास भी बना हुआ है, और वहाँ जब लौटेंगे तो वो फिर पूरी तरह से वो उनको कहीं पर भी उनके पास वायरस नहीं रहेगा। उसके अलावा हमने जो सेंसिटिव एरिया थी बर्ड्स एवरी, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है, पूरी तरह से बंद कर दिया है, और पक्षी लोक बंद है, पक्षी घर जो दाहिनी हो रहा है पक्षी घर खुला है, बाकी सभी बाड़े खुले हुए हैं। सर लगभग कितने दिन बाद आज ये ओपन किया गया, लगभग कितने दिन? ये लगभग ठीक 34वां दिन है आज, 34 दिन। इसके पहले कोविड के चलते हम लोग 7.5 महीने बंद रहे, हमारा भारी नुकसान भी हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, लगभग जोड़ा जाए तो हमको 2.5 से 3 करोड़ रुपये का नुकसान, जो रेवेन्यू आता टिकट से वही जानवरों के भोजन के लिए व्यय होता है, तमाम व्यवस्थाओं में व्यय होता है, तो वो 2.5 से 3 करोड़ रुपया ये खर्च मतलब घाटा हुआ। साथ साथ हमारे खर्च तो यथावत रहे, तो हमको 5.8 करोड़ का घाटा हमने एस्टिमेशन किया है, 5.8 करोड़ का घाटा हमको हुआ है। सर जो रिपोर्टें गई थी बर्ड फ्लू को लेकर, वो सब सभी निगेटिव, सभी बर्ड फ्लू की हमारी 4 लगातार, चूँकि गाइडलाइन है भारत सरकार की, बर्ड फ्लू के बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी, तो उस गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक 4 निगेटिव नहीं आएगी तब तक आप जू नहीं खोल सकते। उसके बाद भी हम एहतियात बरत रहे हैं, उसके बाद भी हम 2 सैंपल फिर 15 दिन पर फिर भेजेंगे, और हम चूँकि हमको दर्शकों की चिंता है कि हमारी वजह से, हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं और दर्शकों, हमारे दर्शक हमारे लिए सबसे प्रिय हैं, सम्मानित हैं, वो हमारे लिए आते हैं, हमारे जानवरों को देखने आते हैं, तो उनकी सुरक्षा हमारी आवश्यकता। सर योर गुड नेम? अरविंद कुमार सिंह, सहायक निदेशक कानपुर प्राणी उद्यान।